एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग मेल भेजते होंगे जीमेल पे लोगों को, तो सिंपल हम लोग टेक्स्ट करके भेज देते हैं और वो बहुत बोरिंग भी लगता है। और स्पेशली जब अगर हम ईमेल टेम्पलेट पे काम कर रहे हो तो हम अपने लिए, या फिर हम ईमेल टेम्पलेट बहुत अच्छी अच्छी बहुत ही एकदम डिसेंट सी बनाते हैं, बट जब हम खुद मेल भेजते हैं तो वही गंदा सा टेक्स्ट लिखते हैं और फिर भेज देते हैं, जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे आप जीमेल से अपने जो भी मेल भेजते हैं उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स भेज सकते हैं। आपको कुछ करना भी नहीं है, आप बस जस्ट कंटेंट अपना चेंज करके या फिर अपनी खुद की टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लास्ट तक जुड़े रहें और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि आप ईमेल टेम्पलेट को कैसे भेज सकते हैं थ्रू योर जीमेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी आपको प्रोसेस बताते हैं कि आप ये जीमेल टेम्पलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे और हमें टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर। मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे हम क्रोम वेब स्टोर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है जीमेल टेम्पलेट्स। तो हम जैसे जीमेल टेम्पलेट सर्च करेंगे आ जाएगा, इस पर हम कर देंगे क्लिक। फिर हमें क्या करना है, इस पर करना है क्लिक। यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐड टू क्रोम। तो हम इसको ऐड टू क्रोम पे ऐड एक्सटेंशन, हम इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड ऐड हो रहा है। तो ये हमारा ऐड, तो ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जीमेल आईडी खोलेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे जीमेल। जैसे हमारी जीमेल खुलेगी हमें क्या करना है, ये दो आइकन्स यहाँ पे देखिए ऐड ऑन होके आ गए। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्रिएट अकाउंट, तो इस पर हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी यहाँ पे अकाउंट करना है उसको आपको कर लेना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगेगा एक्सेस करने को, आपको रीड करने के बाद इसको कर देना है अलाउ। जैसे ही आप अलाउ करेंगे ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लोड हो गई है फ्री टेम्पलेट, माई टेम्पलेट और मेलचिम टेम्पलेट। आप यहाँ पे मेलचिम टेम्पलेट को भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं वहाँ के टेम्पलेट्स को, और यहाँ पे आप अपनी टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई फ्री टेम्पलेट का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे फ्री टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स दी हुई हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना है जिसमें सारी कैटेगरीज दी हुई है, बिजनेस, कोल्ड ईमेल्स, ई कार्ड्स, एजुकेशन, हॉलीडे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज भी दी हुई हैं, उन कैटेगरी को सेलेक्ट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ईमेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये मैंने करा एडिट, जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हमारी एडिट मोड में ईमेल ओपन होकर आ गई। और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में कैसे दिखेगी, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगी, और इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल, डेस्कटॉप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें एडिट करना है, अगर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम, बटन, डिवाइडर, एचटीएमएल, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे यूआरएल जो भी चीज़ें लगाना है तो लगा सकते हैं, ब्लॉग, बॉडी, इमेजेस, इसमें ये सारे आप यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको इसी में एडिट करना है तो आप इसी में अपना लोगो जो भी, जैसे डिलीट करना है इसको, अगर डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे कंटेंट जो कि चेंज करना है, तो आप वो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं और उनके डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। तो होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप ऐसे ही कंटेंट भेजते होंगे तो यहाँ पे आप अपनी डिज़ाइंड टेम्पलेट भी भेज सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव लगेगी और अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स को या फिर आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स बना के भेजिए।
और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, अपने जो भी आसपास उनको जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन भेज सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।